था, और मेरा मुझे रिग्रेट हो रहा था कि मैं यहाँ बिग बॉस में अच्छा कुछ करने के लिए आई हूँ, ना कि जेल में बैठने के लिए आई हूँ। कि आते ही आपने ये डिक्लेयर कर दिया कि टॉप टू, तो किसी भी इंसान को कंटेस्टेंट को बुरा लगेगा, है ना। सुबह उठेंगे अपने आराम से, भैया घर नहीं है नानी का, घर नहीं बिग बॉस का घर है, और अगर ये प्यार एस्टेब्लिश करते हैं तो मुझे लगता नहीं ये लव स्टोरी कुछ खास चल पाएगी, क्योंकि अब लोगों का परसेप्शन मैच्योरिटी वाली लव स्टोरी ज़्यादा पसंद करते हैं लोग। स्मार्ट प्लेयर, इसमें करणवीर भी जा रहे हैं, क्योंकि वो उंगली करके खुद भाग। हाय, दिस इज हेमा शर्मा, एका वायरल भाभी, जानते तो हैं ही आप मुझे, तो आप देख रहे हैं मुझे PNTV पे, देखते रहिए और अपनी बात इनके साथ शेयर करते रहिए, क्योंकि यही चैनल पे आपको मिलेंगी नई नई खबरें जानने के लिए कि हो क्या रहा है बिग बॉस के घर में, बने रहें साथ में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेस न्यूज़ TV, दिस इज़ मी अंकिता पाठक। बिग बॉस 18 के घर में 2 हफ्ते का सफ़र तय करके हमारे साथ जुड़ चुकी है वायरल भाभी AKA हेमा शर्मा। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस, कैसा रहा आपका सफ़र, कैसे मतलब बताना चाहेंगे अपनी जर्नी को? मेरे हिसाब से जो जो चीज़ के लिए मुझे बिग बॉस ने चूज़ किया था कि वायरल भाभी एंटरटेन करेगी, आई थिंक इन 2 वीक्स आई डिड माई जॉब, चाहे इमोशनली हो, चाहे हंसाने से हो, चाहे मस्ती से हो, चाहे डांस से हो, और लास्ट में एक्शन तो बनता ही था, तो हमने वो भी कर दिया। तो हमने निराश नहीं किया, जितना भी मुझे समय मिला 2 वीक्स में आई गेव माई बेस्ट, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं ही थी जिसने ये इतनी सारी क्वालिटीज़ करके दिखाई हैं, वो भी 2 वीक्स में। अदरवाइज़ तो सबका क्या चल रहा है, चुगली चल रही है या फिर फाइटिंग चल रही है, उसके अलावा कुछ नहीं चल रहा है। फर्स्ट डे की अगर मैं बात करूँ, जब फर्स्ट डे आप आई, आपने चाहत की बात मान के आप जेल में गई, यहाँ पे दिख रहा था कि आप एक दोस्ती मतलब दिख रही है आप दोनों के बीच में, पर आने वाले टाइम में अगर हम देखें तो यहाँ पर आप चिढ़ गई थी जेल के अंदर रह के, जितना बग्गा जी नहीं चिढ़े थे, और वहाँ पे अगर देखा जाए तो 1 हफ्ते का हाईलाइट आपको मिला, तो आपको नहीं लगता है बाहर आने के बाद ये रिग्रेट हुआ, नहीं जेल में रहना ज़्यादा फायदेमंद था मेरे लिए? हाँ, जब मैं जेल में गई तो मुझे लगा ये तो हेमा तुमने आते ही जो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। बग्गा जी इसलिए नहीं चढ़े क्योंकि उनको पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस है, मुझे पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो रियल जेल में भी वो ऐसे ही रहते थे हैप्पी, और मैं क्यों रहूँ, मैं बिग बॉस के घर में जेल में रहने के लिए थोड़ा ना आई हूँ। और रही चाहत की बात, तो शुरू में मुझे लगा कि ठीक है यार, जस्ट गेम और नॉर्मल चीज़ें हैं, बट ये चीज़ें बहुत रियल लाइफ से कनेक्ट होती हैं, आपका हिस्ट्री में शामिल हो जाती है, मुझे नहीं पता था, और मेरा मुझे रिग्रेट हो रहा था कि मैं यहाँ बिग बॉस में अच्छा कुछ करने के लिए आई हूँ, ना कि जेल में बैठने के लिए आई हूँ। और उसके बाद जब बाहर आई, अब जब बाहर आई तो ऐसा लग रहा था कि शायद जेल वाला एपिसोड भी ज़्यादा अच्छा ही था, नॉट बैड। इवन वहाँ पे कुछ एक अलग हेमा दिख रही थी जो लोगों को लग रहा था कि यार ये हाँ कि यार ये बढ़िया है, ये जिस तरीके से बोलती है कि भैया क्या कर रहे हो, दर आ जाओ हमारे, अरे बग्गा जी क्या है आप, हेमा जी कभी हेमा जी बोल लो क्या, जब भी देखो बग्गा जी बोलते रहते हो। वेल, अगर मैं इसकी बात करूँ, चाहत की बात करूँ, तो 2 हफ्ते हो चुके हैं, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है एज अ ऑडियंस कि सब उनको टारगेट कर रहे हैं, 2 हफ्ते तक कोई फेक चेहरा लेके कैसे चल सकता है, तो आप अग्री करते हैं कि अब चाहत जो दिख रही है वो रियल ही है, या फिर अभी भी उन्होंने एक चेहरा बना के रखा है, अपना मुखौटा पहन के रखा है? आई थिंक वो थोड़ा ओवर स्वीट बनने की ज़्यादा कोशिश कर रही है, और शायद अब इतना उसको क्लू चला गया है कि एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट चाहत चाहत चाहत, तो मतलब कहीं ना कहीं चीज़ें बेटर काम कर रही हैं, क्योंकि वो फिल्म इंडस्ट्री से है, एंड जो इंडस्ट्री के लोग होते हैं वो हिंट समझ जाते हैं, ठीक है, तो नाम उन्हीं का लिया जाता है जिनका बाहर कुछ नाम हो रहा होता है, ओके, तो वो समझ चुकी हैं कि इंडिविजुअली आई एम प्लेइंग। अदरवाइज़ अगर बात करें बाकी कंटेस्टेंट की, तो किसी का उनके साथ जमता नहीं है। मैं जब तक थी तो अविनाश के साथ उसका चल रहा था, अब पता नहीं ये हफ्ते में पता चला अविनाश के पास ही जाके झगड़ा कर रही है, और आने वाले जो हफ्ते हैं और ज़्यादा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाले हैं। और चाहत जो है ना, झगड़ा करने के बाद वो भूल जाती है कि मैंने झगड़ा किया है, जिस आदमी से तुमने झगड़ा किया उस इंसान से आप बात ही नहीं कर सकते, लेकिन वो क्या करती है कि वो उस इंसान के पास जाके बैठ जाती है, तो वो चाहत लगता है ये नॉर्मल है, लेकिन वो इंसान को हंसी आती है कि अभी ये मेरे से झगड़ा कर रही थी और अभी आके मेरे पास बैठ भी गई विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, तो या तो बात को ख़त्म करो कि देखो ऐसे बात हुई, अब आगे से हम झगड़ा नहीं करेंगे, और फिर तुम झगड़ा करने लगते हो तो वहीं खाना खा रहे हो, वहीं झगड़ा कर रहे हो, तो इसलिए लोगों को, घर के लोगों को लग रहा है कि ये ओवर करती है, रोना धोना शुरू कर देती है, ऊंची आवाज़ बहुत ज़्यादा रेंज करती है, और अपना उसने पकड़ लिया है कि मैं इंडिविजुअल प्ले करूँगी, ये लोग मुझे अवॉइड करते हैं, तो ठीक है। विवियन और एलिश की बात करूँ, तो यहाँ पर उन्हें बताया गया स्टेज पे कि फ्यूचर में ये दोनों, आप लोगों को भी बताया गया कि लोग विनर बन सकते हैं इन दोनों में से, यहाँ पर विवियन को कलश का लाडला भी बोला गया, तो आपको लगता है कि विवियन के अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंट आ गया जिसकी वजह से अब उनका गेम कुछ दिख नहीं रहा है, काफ़ी मुद्दों पर वो बात करते हुए नहीं दिखते, ये फील आपने किया है घर के अंदर? ये सच है, एंट्री पे हमको ये बोल दिया गया था, तो मेरे दिमाग में तो आया था तो वही हम यहाँ के झाड़ू लगाने आए हैं,
कि आते ही आपने ये डिक्लेयर कर दिया कि टॉप टू, तो किसी भी इंसान को, कंटेस्टेंट को बुरा लगेगा, है ना, इसमें ये हो जाता है, थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन वाली बात हो जाती है। एंड दूसरी चीज़, विवियन भाई जो है ना, बहुत थोड़े स्लो हैं, सुबह उठेंगे अपने आराम से, भैया घर नहीं है, नानी का घर नहीं, बिग बॉस का घर है, आपको फटाक से उठना है, फटाक से स्टार्ट हो जाना, अपनी एनर्जी दिखानी पड़ेगी, यहाँ पर आपका कॉफ़ी वॉफ़ी सब साइड में रखो। और वो अब आई थिंक वो धीरे धीरे समझ रहे हैं, क्योंकि अब करण आई थिंक थोड़ा सा ओवरलैप उनको कर रहे हैं, रजत भी आगे निकल गया जब कंपटीशन हुआ, बिकॉज वो सोच नहीं सकते थे, तो ये इशारा है कि जब यहाँ हेमा निकल सकती है जो नहीं निकलनी चाहिए थी, यहाँ पे वो जीत गया जो नहीं जीतना चाहिए था कंपेयर टू विविन भाई, तो भैया कुछ भी हो सकता है, बिग बॉस का घर है, तो जितने भी हैं सब अपनी अपनी खटिया पकड़ लो, कुर्सी पकड़ लो। ओके, करणवीर ऐसे स्टेटमेंट उन्होंने दिया अरफिन और सारा के सामने कि यहाँ पे ना ईशा चाहती है, ईशा और अविनाश ऐसा चाहते हैं कि उन्हें लोग टीज करें कंटेस्टेंट कि ये लोग कपल है, फिर उस मुद्दे पे वो लोग फाइट करें। ऐसा आपने देखा कि ये लोग ट्राई कर रहे हैं कि कपल एक एंगल देने की, उसके बाद जब घर वाले उनको बोले तो इस मुद्दे पे वो लोग फाइट करें? इसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं, बट यस, मैंने जब भी देखा अविनाश, ईशा, एलिस साथ में बैठे हुए थे, और मुझे ये लगा कि ये उनकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है एज ए फ्रेंडशिप। और मैंने जब अविनाश के साथ ये हुआ तो सीरियसली आई मस्ट से ईशा ने और एलिस ने जो स्टेप लिया है कमाल का लिया है, शायद कोई लड़का होता तो लड़का भी नहीं इतना लेता जितना लड़कियों ने लिया है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग लड़कियाँ हैं वो दोनों और बहुत अच्छी बॉन्डिंग है इनकी। जब अविनाश जा रहा था तो ईशा ने डिक्लेयर कर दिया था कि मैं भी जाऊँगी, अब ये प्यार है दोस्ती है मुझे पता नहीं, बट ये कहूँगी कि बहुत खतरनाक बॉन्डिंग है, और अगर ये प्यार एस्टैब्लिश करते हैं तो मुझे लगता नहीं ये लव स्टोरी कुछ खास चल पाएगी, क्योंकि अब लोगों का परसेप्शन मैच्योरिटी वाली लव स्टोरी ज़्यादा पसंद करते हैं लोग। करणवीर को कोई मिल सकता है इस बिग बॉस सीजन में चाहत के अलावा, या फिर चाहत के साथ जो उनका नाम जोड़ा जा रहा है उस पर क्या कहना है? देखो बिग बॉस मिल भी गया ना तो चलने वाला है नहीं, क्योंकि करण भी अब उस जोन से निकल गया है कि अब कोई चाहिए नहीं, अब जिंदगी अकेले जीनी है, जैसे मेरा माइंड आ गया, ठीक है उठने बैठने के लिए ठीक है, कल अब वहाँ पे बात भी तो करने को चाहिए ना, तो इसीलिए ठीक है, और अपोजिट जेंडर का जल्दी होता है तो ठीक है, दोस्ती अगर बन रही है तो दोस्ती चल रही है तो ठीक है, चुम के साथ चल रही है, चाहत के साथ चल रही है, चाहत के साथ तो नहीं है बट ठीक है चल रही है, तो बिग बॉस तक रहेगी, क्योंकि वैसे भी एज डिफरेंस है, कल्चर अलग अलग है और लाइफ के एक्सपीरियंस अलग है, तो आई डोंट थिंक सो कि वर्क करेगा ये। ओके, मैं आपको एक एक वर्ड बोलूँगी, आपको बताना है वो कौन सा कंटेस्टेंट के पास सूट होता है, ठीक है? चालाक, चालाक सारा भी होती है इसमें, सारा भी माँ कसम है। ओके, स्मार्ट प्लेयर इसमें करणवीर भी जा रहे हैं, क्योंकि वो उंगली करके खुद भाग जाता है। ओके, फेक, फेक शहजादा भी तो है यार, कैसे भूल जाती हूँ मैं ये सब लोगों को। मुस्कान के साथ बैठा, मुस्कान को बता देता है तू मेरे अच्छे दोस्त है। बाऊजी के साथ बैठा, बाऊजी आप मेरी अच्छी बाऊजी हैं, तो वो क्या किसी के साथ है नहीं, उसका जमा नहीं, वो ढूंढ रहा है कि मेरा जम जाए कहीं। लास्ट टू, इनोसेंट एंड विलेन। भैया बग्गा जी भी जो है दिखते सीधे पर है नहीं, ही लुक्स इनोसेंट बट वो एक लाइन रखते हैं और पूरी कैलकुलेटिव होती है, तो वो भी है। विलन 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 वो नहीं जाएगा, विवियन पे भी जा सकते हैं, क्योंकि वो वैसे देखा जाए तो जीजी बहुत अच्छी बात है, लेकिन भैया जीजी अगर हटी सामने से तो टारगेट फिर विलन वाला आ जाएगा। लास्टली अपने ऑडियंस के लिए क्या कहना चाहोगी, कहाँ आपका प्रोजेक्ट देखने को मिल सकता है या कहाँ आप देखने को मिल सकते हैं? देखिए अभी तो मैं आई हूँ, कुछ भी देखने के लिए मिलेगा तो जनता को दिखेगा, अभी तो मैं पहले थोड़ा मीडिया से फारिग हो जाऊँ, जैसे जब होगा तो फिर डेफिनेटली कुछ ना कुछ काम आएगा एंड काम करेंगे, बढ़िया करेंगे। कोई टेंशन,